नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंडला में। क्या आपको फोन भी हैंग होता है दोस्तों? बैटरी कम चलती है, 1.5 GB डेटा पूरे दिन भर नहीं चलता, तो इन समस्याओं का समाधान मैं आज लेके आ गया हूं दोस्तों। आपका 1.5 GB डेटा पूरे दिन चलेगा और आपकी बैटरी भी बहुत ज़्यादा चलेगी और आपका फोन हैंग भी नहीं होगा दोस्तों। तो क्या करना होगा आपको, चलिए वीडियो पर बताता हूं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और VI यूज़र के लिए मैं एक फ्री ऑफर लेके आया हूं दोस्तों, आपको 1 GB डेटा दूंगा मैं। आपको कैसे 1 GB डेटा फ्री में लेना है, चलिए मैं वीडियो पर बताऊंगा। तो स्किप मत कीजिए वीडियो को और देखते रहिए वीडियो। मैं 1 GB डेटा कैसे लेना है, मैं लिया हूं दोस्तों, आज ही लिया हूं, वो भी फ्री में दिखाता हूं आपको। मैसेज में मैं मैसेज ओपन करता हूं, चलिए तो यहां पर है, ये रहा दोस्तों, आज ही का है, देख लो। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये नीचे में देखना, ये वाला पढ़ना, ये वाला कॉन्ग्रेचुलेशन, योर फ्री 1 GB डेटा इज क्रेडिट वैलिड टुडे। एक दिन के लिए दिया जाता है दोस्तों VI की तरफ से, ये फ्री है। आपको कैसे लेना है मैं लास्ट में बता दूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताता हूँ कि आपका फोन हैंग हो रहा है, बैटरी कम चल रही है, 1.5 GB डेटा पूरे दिन नहीं चलता, तो इसके लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में चले जाना है दोस्तों। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन रहता है सब लोगों का, तो यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग में आ जाना है, नीचे में सेटिंग में क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर नेटवर्क प्रेफरेंस में क्लिक करना है, तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑटो अपडेट ऐप्स है, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। जैसे जिसमें भी रहे दोस्तों, इसको यहाँ पर डोंट ऑटो अपडेट ऐप में कर देना है दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों मैं बता देता हूँ, जब बैकग्राउंड में कोई ऐप अपडेट नहीं होगा तो इससे आपकी बैटरी बचेगी, डेटा भी बचेगा और फोन हैंग भी नहीं होगा दोस्तों। और यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से दोस्तों। उसके बाद ले चलता हूँ दोस्तों आपको दूसरी सेटिंग। दूसरी सेटिंग अपने मोबाइल की सेटिंग में करना है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कुछ ये ट्रिक करके दोस्तों अपने फ़ोन को बिल्कुल अच्छा बना सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डाटा यूसेज ढूंढ लेना है, तो यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं, यहाँ सर्च में लिख देना है आपको। मैं बता देता हूँ क्या लिखना है, DATA डाटा USAGE यूसेज, ऐसे करके लिख देना है दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट नंबर में आप देख रहे हैं, ये डाटा यूसेज आ गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर पूरे ऐप आ जाते हैं। आप किन ऐप को इस्तेमाल नहीं करते, जिन ऐप को भी इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये गूगल ड्राइव, इसको मैं यूज़ करता ही नहीं हूँ दोस्तों, और ये हमारा डेटा ले रहा है और बैकग्राउंड में चलता रहता है दोस्तों। तो ये हमारा सब कुछ, बैटरी भी खत्म करता है, डेटा भी खत्म करता है, फोन को हैंग भी करता है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा है बैकग्राउंड डेटा, इसको हमें ऑफ कर देना है दोस्तों। कुछ इस तरह से ऑफ कर देना है, जिससे कि जिन जिन ऐप को आप चलाते नहीं हो उनको बंद कर देना है बैकग्राउंड डेटा उनका दोस्तों। जिससे क्या होगा, जब बैकग्राउंड में ये रन नहीं करेंगे तो आपको बैटरी भी बचेगा, डेटा भी बचेगा और फोन हैक भी नहीं होगा दोस्तों। अब ले चलता हूँ अगली ट्रिक की ओर दोस्तों। अगली सेटिंग भी हमें दोस्तों यहाँ पर करना है अपने मोबाइल की सेटिंग में। चलिए यहाँ पर मैं अपने मोबाइल की सेटिंग में अगली सेटिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर ढूंढ लेना है हमें दोस्तों अबाउट फोन, तो ये रहा है अबाउट फोन, आप नीचे ऊपर ढूंढ लेना, कहीं भी होगा तो मेरे सबसे ऊपर है, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ढूंढ लेना है दोस्तों आपको बिल्ड नंबर, मेरे में बता रहा है वर्जन, ये देखो मेरे में MI वर्जन बता रहा है दोस्तों। इस पर मैं 7 बार टिप करना है, आपको बिल्ड नंबर भी होगा आपके में, वो ढूंढ लेना या फिर वर्जन होगा, उस पर 7 बार टिप करना है तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाता है। उसमें कुछ सेटिंग करना है दोस्तों, जिससे कि आपका फोन हैंग भी नहीं होगा, बैटरी भी चलेगी और डेटा ही बचाएगा दोस्तों। तो चलिए इसमें 7 बार टैप कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन चालू हो गया दोस्तों। तो हमें उसको ढूंढ लेना है सेटिंग में, नहीं तो फिर ढूंढने की जरूरत नहीं, यहाँ सर्च में लिख सकते हो आप DEV डेवलपर, इतना ही लिखना है, यहाँ सर्च करके ला देगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों, इसको ओके करना है, इसको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आ जाना है दोस्तों, हमें पूरा नीचे आ जाना है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, और थोड़ा सा ऊपर आना है, थोड़ा सा और ऊपर आना है, यहाँ पर बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट में, यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैं नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट करके रखा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपको भी ऐसे ही करके रखना है दोस्तों। इसमें रहेगा स्टैंडर्ड लिमिट में, स्टैंडर्ड लिमिट ऊपर में रहेगा, तो इसको नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट में कर देना है, जैसे कि बैकग्राउंड में कुछ चलेगा नहीं दोस्तों, तो आपकी बैटरी बचेगी, डेटा भी बचेगा और फोन हैंग भी नहीं होगा दोस्तों। अभी सेटिंग दोस्तों, जैसे कि हमारा नेट स्लो चल रहा है तो हम उसे फास्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउजर यूज़ करता हूँ दोस्तों, इसमें कुछ भी डाउनलोड करता हूँ तो बहुत धीरे होता है, जैसे हम जल्दी से डाउनलोड हो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं, एक URL बताता हूँ मैं, उसको हमें यहाँ पर डालना है। तो चलिए मैं इसको करता हूँ इनेबल दोस्तों, इसको इनेबल करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप यहाँ से जल्दी से डाउनलोड कर पाएंगे जो भी डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है दोस्तों, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CHROM क्रोम, यहाँ पर दे देना है दोस्तों आपको ये डबल बिंदी, उस पर 2 स्लैश, उसके बाद फ्लैग लिख देना है FLAGS फ्लैग, ये इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन से जब जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहेगा, तो आप सीधा यहाँ पहुँच जाएंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ का लिंक दे दूंगा, तो आप लिंक पर क्लिक करना, तो यहाँ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ डिफॉल्ट लिखा है, इस पर क्लिक करना है दोस्तों, इस पर क्लिक करना है, ये डिफॉल्ट में है, इसको इनेबल कर देना है यहाँ पर दोस्तों। इनेबल करने के बाद दोस्तों आप कुछ भी डाउनलोड करेंगे, इतना फास्ट डाउनलोड होगा दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये रहा अगली सेटिंग दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को सीधा चले जाना है अपने अपने यूट्यूब में भी सेटिंग कर लेना है दोस्तों। एक सेटिंग यहाँ भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम यहाँ पर वीडियो ओपन करते हैं कुछ इस तरह से, तो वो अपने आप चलने लगते हैं दोस्तों। जैसे हमारा डेटा जो है बहुत ही ज़्यादा खत्म होता है दोस्तों, इसको अपने आप चलने से बंद करना है, तो हमें क्या करना है, अपने यहाँ पर लोगों पर क्लिक करना है दोस्तों। चलिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा सेटिंग है, इस पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैनेज हिस्टोरी, मैनेज बहुत सारे हैं, वीडियो क्वालिटी, ऑटो प्ले, ये सब हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ी नहीं करना है, यहाँ पर जनरल पर क्लिक करना है दोस्तों।
यहाँ पर जनरल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों प्लेबैक एंड फीड में क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों, प्लेबैक एंड फीड में इस पर क्लिक करना है और इसको ऑफ कर देना है। कुछ मैं किया हूँ उस तरह से दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी वीडियो जो है अपने आप यहाँ पर चलने लगते हैं वो नहीं चलेंगे दोस्तों। इससे क्या होगा, आपके डेटा जो है बहुत ज़्यादा बचेगा दोस्तों। कुछ इस तरह से सेटिंग कर लेना है दोस्तों। इन सेटिंग में कर ले हुए आपका फोन एकदम रॉकेट की तरह चलने लगेगा, डेटा ही बचाएगा, बैटरी ही बचाएगा, आपको अच्छा लगेगा फोन चलाने में। अब बताने वाला था दोस्तों वीआई यूज़र के लिए 1GB डेटा कैसे लेना है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर डायलर ओपन करना है। डायलर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक नंबर डायल करना है, 1212 49, ये वाला नंबर डायल करना है दोस्तों। मैं सेव भी करके रखा हूँ, देख सकते हैं आप डेटा के नाम से। इससे मेरे को 1GB डेटा मिला है दोस्तों, आज लिया हूँ मैं आपको मैसेज में भी दिखाया था दोस्तों 9:53 में। तो ये वाला नंबर देख लीजिए आप अच्छे से, ये वाला नंबर डायल करना है और इसमें बोलेगा एक दबाए 1GB डेटा के लिए, तो एक दबा देना है। आपको फ्री मिलता है एक महीने में 1GB डेटा VI अपने यूज़र को देता है दोस्तों। ये वाला नंबर है, सेव कर लीजिए अच्छे से और अच्छे से देख लीजिए, नहीं मिले तो मेरे को कमेंट करना, मिलता है मैं दिखाया हूँ मैसेज में। एक बार और आपको दिखा देता हूँ, चलिए मैसेज में दिखा देता हूँ आपको, आज ही लिया हूँ 9 बजे। ये देखो वोडाफोन, ये नीचे वाला पढ़ सकते हो आप, ये वाला कॉन्ग्रेशन यूर 3 1GB डेटा इस क्रेडिट वैलिड फॉर 2 डे, एक दिन के लिए देता है दोस्तों। देख लीजिए 9:53 AM आज ही का है दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो आज तक का वीडियो यहीं तक दोस्तों, बाय।